धड़कन फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी। इस फिल्म के क्लाइमेक्स को देख के आप लोगों ने हैप्पी एंडिंग को देख के खुश भी बहुत हुए होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो फिल्म का क्लाइमेक्स आपने देखा था एक्चुअल में वो क्लाइमेक्स प्लान किया ही नहीं किया था। क्लाइमेक्स कुछ और था लेकिन दिखाया कुछ और। चेंज क्यों किया गया, क्या था क्लाइमेक्स, बताऊंगी आज बॉलीवुड यादगार में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। 11 अगस्त 2000 में फिल्म रिलीज हुई थी धड़कन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने। इस फिल्म में एक्टर के तौर पर मल्टीपल एक्टर्स नजर आए थे, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी जैसे कई बड़े बड़े एक्टर्स और भी नजर आए थे इसमें। सुनील शेट्टी ने इसमें देव का किरदार निभाया था, शिल्पा शेट्टी ने अंजलि का और अक्षय कुमार ने राम का। देव किरदार को इस फिल्म के अंदर बहुत पसंद किया गया था और आज के डेट में भी सुनील शेट्टी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के लिए इसको गिना जाता है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स था कि जब शिल्पा शेट्टी यानी कि अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद में देव जो है उसको राम के पास में छोड़ के हैप्पी एंडिंग करके चले जाते हैं। बट एक्चुअल में क्लाइमेक्स ये नहीं था। क्लाइमेक्स ये था कि जैसे ही सुनील शेट्टी को ये पता चलता है कि शिल्पा शेट्टी माँ बनने वाली है, उसके बाद ही सुनील शेट्टी यानी कि देव किरदार की मौत हो जाती है। वेल, इस किरदार की मौत की बातें चल रही थी तो फैंस लोग जो थे वो बहुत परेशान थे कि इस फिल्म को लेके, क्योंकि कोई भी सुनील शेट्टी को फिल्मों में मरता हुआ उस समय पर नहीं देखना चाहता था क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी। ऐसे में मेकर्स के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, वो करे तो आखिरकार क्या करे। तो उन्होंने क्लाइमेक्स को चेंज किया और फिल्म की हैप्पी एंडिंग दिखाई गई। वेल, मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म सुनील शेट्टी एक्चुअली में नहीं करने वाले थे क्योंकि जिस समय उनको ये फिल्म ऑफर हुई थी उस समय वो ऑलरेडी किसी और फिल्मों में बिजी थे। ऐसे में जब डायरेक्टर को इस किरदार के लिए कोई और नहीं जमा तो उन्होंने सुनील शेट्टी को ही बोला कि ये किरदार आपको ही करना पड़ेगा और हम इसके लिए आपका इंतजार करेंगे। थक हार के सुनील शेट्टी को इस फिल्म के लिए हाँ करना पड़ा और ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से उनके लिए मानी जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस किस्से के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।